आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे घी का दिया लगाकर मध्याह्न से पहले, दोपहर के 12 बजे से पहले आंवले के पेड़ के नीचे आंवला नवमी के दिन कार्तिक के महीने में स्कंद पुराण कहती है जो घी का दिया लगाकर पूजन कर अपना पल्लू पसार कर आंवले के वृक्ष की डाली में से उस पे लगी हुई थोड़ी सी छाल को अपनी अंगूठे और चीटी उंगली से अपने पल्लू में गिराकर ले जाकर लाल कपड़े में हल्दी के साथ अपनी तिजोरी में अलमारी में रख लेता है, उसके घर में कभी बरकत की कमी नहीं होती, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती। आंवले के पेड़ के नीचे शाम के समय पर जो सूर्य ढलने से लेकर, जब सूर्य ढलने लगे, सूर्य की किरणें कम होने लगे, तब से लेकर रात्रि के 7:30-8 के बीच में, सूर्य ढलने से 7:30-8 के बीच में आंवले के पेड़ के नीचे जो एक घी का दिया लगाकर कनक धारा का पाठ कर ले, पूरा श्लोक नहीं पढ़ सकते, पूरी कनक धारा का पाठ नहीं कर सकते, तो शुरू का एक श्लोक और आखिरी का एक श्लोक पढ़ लीजिए और घी का दिया लगाकर झोली पसार कर प्रणाम कर लीजिए, जिंदगी में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती। ये केवल अक्षय नवमी के दिन ही होता है।